हेलो गाइस, ये है टाटा नेक्सॉन 2018 मॉडल। ये अभी तक 45,000 किलोमीटर चल चुकी है 4 सालों में, और हमने इसकी कल सर्विस कराई थी। तो हमारी कॉस्ट आई है इसकी 6,000 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप भी करवाने जाओगे तो आपका बनेगा 14-15,000 का बिल तो आराम से बनता है। जैसे हम पहले भी कराते थे तो इतना ही बनता था, पर इस बार हमने कुछ ऐसा किया, हमें डिस्काउंट मिला और हमारी सिर्फ 6,000 में होगी। और आपको सब बताएंगे कैसे कैसे करके आप भी इतने कम रेट में अपनी सर्विस करा सकते हो। तो आज हम इसको आपको पूरा बिल बताएंगे, हमने क्या क्या चीज़ इसमें डलवाई और इसकी मेजर सर्विस थी, उन्होंने मेजर सर्विस करी है इसकी। तो आज हम इसको आपको सब बताएंगे इसके बारे में, और हमने कैसे इसका कूपन लिया, और आप भी ले सकते हो और आप भी इसकी सर्विस इतने सस्ते में करवा सकते हो, पर आपको सब कुछ अलर्ट रह के कराना पड़ेगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा बिल टाटा नेक्सॉन का, और ये हमारी जिससे हमने कूपन वगैरह लिए थे, इसके बारे में भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पर अभी आपको सारा बिल वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ इसका। तो क्या क्या, सबसे पहले हम बिल को उठाते हैं। तो गाइस, ये रही गोल्डन बुक, इसको हम रखते हैं साइड पे जैसे कि, और ये रहा हमारा बिल। तो बिल वैसे अगर हम पूरा बताते हैं हमने क्या क्या इसमें चेंज हुआ। जैसे आपको पता है इंजन ऑयल डलता है, वो 2400 का। एयर फिल्टर हमारा डाला 700 का। ऑयल फिल्टर डाला हमारा 192 रुपीज़ का, देख सकते हैं यहाँ पे सब लिख रखे है। और कूलेंट डाला यहाँ पे 1060 रुपीज़ का। और जो सर्विस चार्ज थी, जो लेबर थी, वो हमारी लगी अभी 1652 रुपीज़। तो इसमें बताता हूँ हमारे साथ क्या क्या फ्रॉड होने लगा, तो हम कैसे बचे और हमारा इतने सस्ते में सर्विस कैसे हो गई। तो सबसे पहले उसने यहाँ पे, जैसे आपको देखते कूलेंट के यहाँ पे लगे अभी 1060 रुपीज़, उसने लगाए थे 1400 रुपीज़, वो भी 6 लीटर के हिसाब से। पर एक बोतल होती है 212 रुपीज़ की, हमने वहाँ पे देखी थी। हम आपको वीडियो में अभी मैं दिखाता हूँ कितने रुपीज़ की मैंने वीडियो बना रखी है वहाँ की। तो उसने बनाया था बिल 1400 रुपीज़ का। अगर हम कैलकुलेट भी करते हो 5 लीटर से, तब बनता है 1060 रुपीज़। तो उसने 1400 लगा रखे थे ना, तो हमने उसको बोल के कटवाए, तो बोलते चलो ठीक है, पर वो उसको सब पता था पर वो बोल नहीं रहा था। और उसके बाद अभी उसके बाद उसने बोला था टाइम बेल्ट भी इसमें डलेगी, क्योंकि 45,000 किलोमीटर कार चल चुकी है। पर इसकी मैनुअल बुक में मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उसमें लिख रखा है 1 लाख किलोमीटर के बाद सब कुछ टाइम बेल्ट आप चेक करवाओगे, उसके बाद डलवाओगे। तो इसके में ये देखो, उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया भाई टाइम बेल्ट वर्क रिफ्यूजल बाय कस्टमर। हमने रिफ्यूजल कर दी, पर जब मैनुअल में ही नहीं लिख रखा तो इन्होंने क्यों लिखा। अगर इनकी बुक में लिख रखा है अगर 1 लाख के बाद लगवानी, तो इन्होंने क्यों बोला 45 के बाद लगानी, क्योंकि कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, और ये सब था इसका बिल। और ये था 5,600 रुपीज़ हमारा बिल बना। वैसे तो टोटल बन रहा था लगा लो 6,400 का। उसके बाद ये गोल्डन बुक ली थी हमने, ये बुक थी, इसमें से कूपन वगैरह देखो यहाँ पर सब मेंशन, आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड, ये देख सकते हो आप, इसमें सब कुछ मेंशन है। ये देखो 5% रिपेयर पे है, 10% पे है, 10% लेबर कॉस्ट, ये गैस रिफिल सब दे रखा है हमने, कुछ यूज़ भी करे थे आप देख सकते हो ऐसे। तो ये इस बुक से आपके पैसे कम हो जाएंगे, इसलिए हमारे 5,600 रुपीज़ हो गए। ये हमारा सारा बिल। तो बताता हूँ आपको, जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी थी, जैसे व्हील अलाइनमेंट होगी और भी बहुत कुछ था, जैसे टाइम बेल्ट होगी, अब इतना कुछ वो लगा रहे थे ना, तो इससे टोटल बिल इसका 20,000 बन रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा था। तो हमने ऐसा कुछ नहीं लगवाया उसमें, जो जो हमें रिकमेंड था, जो जो हमें लगा वो डलवाना चाहिए। आप भी ऐसी करा सकते हो सर्विस, पर आपको सब कुछ पता होना चाहिए आपको क्या क्या इसमें चेंज करवाने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ देते हैं। वो सब आप पे डिपेंड है, आप क्या क्या चीज़ उसमें ऐड ऑन कराते हो। अगर आप खुद अवेयर रह के सब कुछ कराओगे तो आप भी फ्रॉड होने से बच जाओगे, क्योंकि हम भी हमेशा सर्विस कराते थे तो इसका बिल ऑलमोस्ट 12-13,000 बनता था, क्योंकि हम इस पर वो करते नहीं थे हमेशा। बस हम जाते थे गाड़ी खड़ा के, हम घर आ जाते थे और 3-4 घंटे बाद चल जाते थे गाड़ी लेने। तो इस बार हम वहीं पे रहे थे और सब कुछ वहाँ पे हमने जाके देखा था, और खुद अपने हाथों से वहीं पे खड़े रहे थे 2-3 घंटे जब तक इसकी सर्विस नहीं हो रही थी। तो इस करके हमारा इतना कम बिल बना। आप भी ऐसी सर्विस करा सकते हो, आपका भी ऑलमोस्ट इतना ही बिल बनेगा जितना इसका बना है, 5,600, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अब आपको मैं कार के अंदर से दिखाता हूँ कितनी चल रही है, मैं झूठ नहीं बोलता। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 45,000 किलोमीटर चल चुकी है कार हमारी। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप चेक करना, ये देखो इसकी मैनुअल बुक है, इसमें आपको मैं सब दिखाता हूँ। जैसे उन्होंने इस पर आप देख सकते हो पेज नंबर 157 पर लिख रखा है, जैसे आप देखते हो इंजन हमारा, जैसे इंजन डीजल है तो 45, जैसे हमारी कार चल चुकी है आप चेक कर सकते हो देखो, तो 45 पे सिर्फ एयर फिल्टर वगैरह चेंज होते हैं।
और ये आगे सारे मंथ्स दे रखे हैं किस किस मंथ में जैसे सर्विस होती है, जैसे ये 36 मंथ 45 के चलने के बाद और ये आगे कब होएगी आप सारा चेक कर सकते हो। तो उसने बोला था जैसे टाइम बेल्ट का, तो टाइम बेल्ट देखते हैं। अब ये देखो 6th नंबर पे, तो 1,005 लाख किलोमीटर चलने के बाद ये चेंज होएगी टाइम बेल्ट। और ये कौन सा मंथ आप चेक कर सकते हो, 84 मंथ्स और जब 1,05,000 चल जाएगी। तो उसमें लिखा है अगर चेक करोगे टाइम बेल्ट खराब है तो उसको चेंज कर सकते हो अगर डैमेज है तो। पर इसने यहाँ पे चेक करो 45,000 हमारी जैसे कार चले तो उसने यहाँ पे लिख रखा है भाई कस्टमर ने रिफ्यूज करा है टाइम बेल्ट डालने से। पर जब जब हमारी कार में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम क्यों टाइम बेल्ट डलवाएं, जब मैनुअल बुक में इन्होंने खुद की बुक में लिख रखा है आप कुछ भी डलवाओगे तो इसमें टाइम बेल्ट डलवानी है 1 लाख के बाद आपको चेक करवानी है। तो हम 45,000 रुपये क्यों लगवाएं, क्योंकि उन्होंने इसका बिल बोला था 10,000 रुपये टोटल लगेगा, 7,500 की बेल्ट है और 2,500 एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे सर्विस उसके डालने के, तो टोटल 10,000 लगेंगे। तो हमने उसको मना कर दिया और बाकी भी बहुत चीज़ें मना करी थी, तो इस करके हमारा बिल इतना बना था। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन्फॉर्मेशन